नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार केस 1775 डिस्कस करेंगे। क्या हुआ था उस केस में, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक ये केस लॉ है। तो देखते हैं क्या हुआ था राजा नंद कुमार के ट्रायल वाले केस में। तो इसमें सबसे पहले तो दो पार्टियाँ होती हैं, दो होती हैं या तीन, आप जो बोल लो। सबसे पहला तो खुद राजा नंद कुमार, तीसरा गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे 1775 का ये जो केस है उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। और द काउंसिल में चार मेंबर थे, वो कौन कौन थे, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉन्सन और बेयरवेल। ठीक है, अब ये जो तीन लोग थे शुरुआत के, फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉन्सन, ये तो वॉरेन हेस्टिंग के हमेशा अपोजिट में रहते थे, अपोज में रहते थे, हमेशा उनके खिलाफ रहते थे चाहे जो बात हो जाए। और बेयरवेल सिर्फ एक इकलौता इंसान था काउंसिल में जो कि हाँ उनके साथ में खड़ा रहता था, हमेशा उनके फेवर में रहता था वो। और बाकी के जो ये तीन लोग थे कौन कौन से, फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉन्सन, ये हमेशा उसके उनके अपोज में रहते थे। ठीक है, तो बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। होता क्या है कि ये दोनों ये तीनों हमेशा अपोज में रहते थे, किसके, वॉरेन हेस्टिंग जो हमारे जो उन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे उनके अपोजिट में रहते थे। तो इन तीनों ने क्या किया, जो राजा नंद कुमार थे ये कंपनी के बहुत जिगरी मान के चलो बहुत लॉयल आदमी थे कंपनी के, ब्रिटिश थे उनके बहुत, कंपनी के बहुत लॉयल थे वो। तो इन काउंसिल के ये तीन लोग हैं जो मॉन्सन है, क्लेवरिंग है और फ्रांसिस है, इन्होंने क्या किया कि राजा नंद कुमार को भड़काया, जो राजा नंद कुमार है उनको भड़काया कि भाई तुम ये जो है वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ केस कर दो। किस चीज़ का केस, ब्राइबरी और करप्शन का, झूठा केस, बोले केस कर दो तुम, तो बाकी तो हम देख लेंगे। अब इन्होंने बहलाया फुसलाया उसको और राजा नंद कुमार जो थे वो मान भी गए, उन्होंने फैसला कर लिया कि हाँ चलो मैं कर दूंगा। तो जो फ्रांसिस थे जो काउंसिल के जो एक मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, बोला कि आप एक लेटर लिख के दे दो हमको वॉरेन हेस्टिंग के ख़िलाफ़ कि इन्होंने आपसे ब्राइबरी और करप्शन, ये ब्राइबरी करप्शन के खिलाफ आप इनके खिलाफ केस कर रहे हैं ब्राइबरी और करप्शन का। ठीक है, तो फ्रांसिस ने इनसे मांगा और इन्होंने देने को तैयार हो गए, ये इनको देने को तैयार हो गए और देने को तैयार हो गए और इन्होंने दे भी दिया। मतलब क्या हुआ, इनके खिलाफ जो वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ इन्होंने लेटर दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो फ्रांसिस और मॉन्सन और क्लेवरिंग थे जो काउंसिल के जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सजेस्ट किया कि जो अभी मीटिंग हो रही है, मीटिंग होगी जो गवर्नर जनरल काउंसिल की जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हम राजा नंद कुमार को बुलवाते हैं और इनका हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, मतलब देखते हैं कि क्या होता है, आपस में बातचीत करते हैं क्या है। ठीक है, मीटिंग में बुलाते हैं इनको। अब वॉरेन हेस्टिंग जो थे इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसे अब हम किसी को मीटिंग में तो नहीं बुला सकते। ठीक है, तो अब ये काउंसिल ने क्या किया, जो मेजॉरिटी थी उन्होंने क्या किया कि इनको कि ये जो मीटिंग का गवर्नर जनरल ही हेड होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब मीटिंग का हेड किसको बना दिया, क्लेवरिंग को हेड बना दिया इन्होंने। मीटिंग का हेड किसको बना दिया इन्होंने, क्लेवरिंग को बना दिया, क्योंकि अब ये हेड तो कर नहीं रहे थे क्योंकि खुद अगेंस्ट में थे ये इसके उसको बुलवाने के। तो इन्होंने मीटिंग का हेड किसको बना दिया, क्लेवरिंग को बना दिया। अब फिर राजा नंद कुमार को बुलवाया गया मीटिंग में उनको बुलवाया और जो भी एलिगेशंस लगाए हुए थे किसके खिलाफ, वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ। तो वहाँ पर क्या हुआ, मीटिंग ने जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनको ब्राइबरी और करप्शन के लिए गिल्टी माना और 354,000 रुपए का मनी का उनके ऊपर फाइन लगा दिया और उनको बोला कि आप ये जो पैसे हैं ये कंपनी के ट्रेजरी में डाल दो, कंपनी के खजाने में डाल दो आप। ठीक है, मतलब कि एक छोटे झूठे राजा नंद कुमार के बोलने से ये वॉरेन हेस्टिंग को 354,000 जो पैसे हैं वो कंपनी के खजाने में डालने पड़े। अब इस इंसिडेंट से क्या हुआ, जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने जो राजा नंद कुमार से दुश्मनी मतलब गुस्सा हो गए थे उससे, जो राजा नंद कुमार थे उनसे वॉरेन हेस्टिंग बहुत गुस्सा हो गए थे, ऑब्वियसली बात है कोई भी गुस्सा हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, इन्होंने तो सबसे पहले जो राजा नंद कुमार थे इनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का केस कर दिया और दूसरा उनके ऊपर केस किया फॉर्जरी का,
हालांकि फॉर्जरी का केस झूठा नहीं था और कॉन्स्पिरेसी भी झूठी नहीं थी, फॉर्जरी का और कॉन्स्पिरेसी का केस झूठा नहीं था। तो उस टाइम पर जो चीफ जस्टिस थे हमारे, वो थे सर एलिजा एम पे। और सर एलिजा एम पे वॉरेन हेस्टिंग्स के बहुत खास दोस्त थे, जो बहुत अच्छे मित्र थे उनके, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो सर एलिजा एम पे ने क्या किया, उसको लाइबल किया, राजा नंद कुमार को लाइबल किया और डेथ पेनल्टी सुना दी। सर एलिजा एम पे ने इनको पनिशमेंट के तौर पे क्या दे दी, डेथ पेनल्टी दे दी। और यहाँ पर हमारे केस का दी एंड हो जाता है। वो तो हमको भी अब समझ में आ रहा, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि उसने बस, अगर कॉन्स्पिरेसी और फॉर्जरी के लिए कोई किसी को आप पनिश कर रहे हो तो डेथ तो नहीं होगी, तो ये तो मनमानी करी थी। लेकिन ठीक है, खास दोस्त थे उनके तो करवा भी दिया उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ये था हमारा केस द ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।